आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। सर्दियों में सबसे ज्यादा फूल देने वाला प्लांट कैलेंचो के बारे में आज हम बात करेंगे। कैलेंचो के प्लांट पर जब एक बार फ्लावरिंग होना शुरू होती है तो 3 से 4 महीने तक वह चलती रहती है। इसमें नए नए फ्लावर आते रहते हैं, लेकिन प्लांट खाली कभी नहीं रहता है। जब फ्लावर खिलने लगते हैं तब आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। इस प्लांट में धूप की आवश्यकता कम होती है, कम से कम 1-2 घंटे की धूप लगे ऐसी जगह इस प्लांट को रखना चाहिए। कैलेंचो की कटिंग लगाने के लिए सितंबर और अप्रैल लास्ट सबसे बेस्ट टाइम होता है। कैलेंचो को उगाना बहुत ही आसान होता है। लीफ और कटिंग से ये पूरी तरह से प्लांट तैयार हो सकता है। कैलेंचो की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए जिससे कि पानी उसमें नहीं रुके। कैलेंचो का प्लांट सैकुलेंट वैरायटी के जैसा होता है, इसमें पानी की मात्रा कम दीजिए। ज्यादा पानी देने से इसकी रूट्स गल सकती हैं या फिर फूल कम आएंगे, पत्तियां ज्यादा आएंगी। जब 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए। पानी मिट्टी को देखकर ही इसमें पानी देना चाहिए। कैलेंचो प्लांट के लिए वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुके, तुरंत निकल जाए। कैलेंचो प्लांट के लिए प्लास्टिक, सेरेमिक या फिर मिट्टी कोई सा भी पॉट छोटा ले सकते हैं। 6 से 8 इंच का पॉट काफी रहता है क्योंकि इसकी रूट ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तेज धूप, ज्यादा बारिश और कोहरे से प्लांट को बचाना होता है। कैलेंचो में 2 प्रकार की वैरायटी होती है, देसी और हाइब्रिड। देसी में रेड कलर के फ्लावर आते हैं और हाइब्रिड में बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। कैलेंचो को नमी वाली मिट्टी बहुत ज्यादा पसंद होती है और वाटरिंग से प्लांट खराब हो सकता है। ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत इसमें नहीं होती है, इसमें फ्लावरिंग लंबे समय तक रहती है। ये वक्त है कैलेंचो को खरीदने का, जितना लेट करेंगे फ्लावरिंग टाइमिंग खत्म होती जाएगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।